कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत प्रसन्न हूं मैं आप सबके बीच में आके। तो आज हम महाभारत के आधार पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम सबके जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आती है, खास करके प्रोवोकेशंस आते हैं, उत्तेजित करने वाली परिस्थितियां आती है, और उसका हमें कैसे सामना करना चाहिए। तो वे महाभारत में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें कभी कभी हमें सवाल आ सकता है कि अभी महाभारत में एक तरह से अच्छे लोग हैं जो पांडव है, बुरे लोग हैं जो कौरव है, पर कभी कभी क्या होता है, ये एक सफेद है एक काला है। कैन वी म्यूट द पार्टिसिपेंट्स। सभी लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है। ओके तो जब हम देखते हैं कुछ अच्छे लोग हैं कुछ बुरे लोग हैं, तो अभी अगर कोई बुरे लोग अच्छा कार्य करते हैं या अच्छे लोग बुरा कार्य करते हैं, तो फिर वो समझना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। और अगर हम असली जीवन देखते हैं तो असली जीवन में भी बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो हर तरह से सफेद है, हर तरह से अच्छे है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हर तरह से बुरे होते हैं। तो जो शास्त्र है, खास करके अगर हम रामायण और महाभारत की तुलना करते हैं, तो महाभारत में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि महाभारत में कई से कौरव के पक्ष में ऐसे कई पात्र हैं जो अच्छे हैं, और वो उनका त्याग भी नहीं करते। जैसे विभीषण एक अच्छा का पात्र है, पर विभीषण जो है रावण का त्याग कर देता है, पर भीष्म द्रोण कृपा ये त्याग भी नहीं करते। और कभी कभी जो अच्छे पक्ष में जो होते हैं वो भी कभी कभी कुछ ऐसा कार्य करते हैं जैसे लगता है हम शायद गलत है। ये युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं, या फिर न केवल जुआ खेलते हैं पर बहुत कुछ हार जाते हैं जुआ में, या फिर आज जो प्रसंग हम देख रहे हैं जो द्रौपदी है वो दुर्योधन जब गिर जाते हैं तो दुर्योधन पर हंसती है। तो अभी इस प्रसंग से हम ये ऐसे क्यों करते हैं, उसे क्या सीखना है, हम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं तीन तीन विषयों पर आज चर्चा करूंगा कि सबसे पहले उस प्रसंग में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। प्रसंग के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे कि द्रौपदी हंसी तो क्यों हंसी, और फिर कई बार जो राम महाभारत के मूवीज होते हैं या महाभारत का टीवी सीरियल होता है उसमें कुछ और वो जो प्रसंग है बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो द्रौपदी ने तभी दुर्योधन से क्या कहा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और फिर बाद में कृष्ण की इसमें क्या भूमिका है कि क्या कृष्ण चाहते थे कि दुर्योधन को उत्तेजित करे, उसको उसको क्रोधित करे, उससे युद्ध हो जाए, उससे सारे जो असुर असुर कुल के असुर वृत्ति के लोग हैं उनका नाश हो जाए, तो क्या कृष्ण चाहते थे ये युद्ध हो जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि साधारणतया अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो हम उन पे हंसते नहीं है। साधारणतः अगर कोई सुसंस्कृत होगा थोड़ा बहुत तो क्या है, अगर थोड़ा सुसंस्कृत तो अगर असंस्कृत है तो शायद वो हंसेगा, पर सुसंस्कृत है तो फिर क्या करेगा, वो थोड़ी वो जाएगा वहां पे और उसको मदद करेगा उठने के लिए। अभी अगर कोई गिर जाता है और उस समय कोई हंसता है तो हमें लगा क्या है, क्या तुम जानते नहीं किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। तो अभी क्या है कि उस दृष्टि से देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये हंसना उचित नहीं है। अभी द्रौपदी कब हंसती है, जो पांडवों का राजसूय यज्ञ होता है उस समय कौरव भी वहां पे आते हैं और दुर्योधन वहां पे रह लेता है कुछ समय तक, और माया दानव ने एक दिव्य सभा बनाई होती है, इसको माया सभा कहते हैं, और माया सभा में कई ऐसे अद्भुत चीजें होती है जो आंख को मोह में डाल देती है।
तो कुछ जगह पे ऐसे लगता है कि पानी है, और वहां पे जब दुर्योधन चल रहा होता है तो अपना कपड़ा जो है उठा के चलता है, फिर देखता है यहाँ पे तो कुछ पानी है ही नहीं। और फिर बाद में जब इसके एक जगह पे लगता है यहाँ पे तो जमीन है और वहां पे पानी हो जाता है और गिर के फिसल जाता है। तो ऐसे जब एक बार फिसल जाता है वो पूरा गीला हो जाता है, और तुरंत वहां पे जो सेवक होते हैं वगैरह वो आते हैं उसको कपड़ा देते हैं सुखाने के लिए। पर वो इधर उधर देखता है तो ऊपर जो होता है वहां पे एक बालकनी जैसे होता है, वहां पे द्रौपदी और युधिष्ठिर और कृष्ण वो सब इधर उधर देख रहे होते हैं। तो वो दुर्योधन को देखते हैं, और वहां पे वह देख के द्रौपदी और बाकी रानियां जो है वो हंसने लगती है। और तभी युधिष्ठिर जो है वो द्रौपदी को बोलते मत हंसो आप, और जो ऐसे द्रौपदी को बोल रहे होते तो कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते मत रोको तुम। अभी ये सब दुर्योधन देख लेता है, और दुर्योधन बहुत खुद को अपमानित महसूस करता है। तो अभी यहां पे हुआ क्या है कि जो लोग घमंडी होते हैं, उनको हम पफड़प कहते हैं, तो क्या होता है कि अगर कुछ लोग खुद को बहुत बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, मुझे ये ज्ञान है वो ज्ञान है वो ज्ञान है, अगर कोई ऐसे दिखाता है, और फिर बाद में ऐसे उनको एक वो कहते हैं कि मैं गणित में बहुत ही बड़ा विद्वान हूं, कोई कहता है मैं शास्त्रों में बड़ा विद्वान हूं, और फिर एक प्राथमिक शास्त्रों के बारे में कुछ बात है अगर उस व्यक्ति को पता नहीं है वो, तो फिर क्या हो जाता है एक तरह से जो जो ऐसे बाकी लोगों को जिनको पता होता है कि ये खुद को बहुत बड़ा चढ़ा के घमंड रखता है, तो उसमें थोड़ा एक आनंद आता है। क्या है कि ऐसे इंग्लिश में कहावत है प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, कि जो गर्वित होता है वह गिर जाता है। और साधारणतः कोई व्यक्ति गिरता है तो उससे ज्यादा लोगों को आनंद नहीं होता है, पर कोई गर्वित व्यक्ति बहुत गर्व करने वाला व्यक्ति अगर गिर जाता है तो फिर क्या होता है, अच्छा तो इसे लगता है कि सर्व्स यू राइट, ये तुम खुद को इतना बड़ा मानते थे अभी दुनिया जीवन ने दुनिया ने तुमको अपनी जगह दिखा दी है। और न केवल दुनिया ने अपनी अगर कोई ऐसे मान लीजिए कोई विद्यालय में कोई विद्यार्थी है जो वो दादागिरी करता है हमेशा, दूसरों को धमकाता है डराता है, और तभी कोई और लड़का आता है उसे चुनौती करता है और उसको हरा देता है, तो फिर क्या होता है उसका जो अहंकार है कम होने पे दूसरों को एक आनंद मिलता है। और खास करके न केवल वो उस तरह से कम साबित होते हैं पर वो खुद भी कुछ गलती करते हैं, खुद को भी अज्ञानी या असक्षम दिखाते हैं, तो उनका इनेप्टनेस जब होता है तो उससे और एक तरह से वो आनंद होता है। अभी ये आनंद अच्छा है बुरा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक स्वाभाविक है। क्या है स्वाभाविक कि कोई गर्वित व्यक्ति उसका गर्व कम होता है, या वो उसका गर्व कैसे वास्तव में सत्य पे आधारित नहीं है पता चल जाता है, तो एक तरह से लोगों को एक आनंद मिलता है। तो अभी दुर्योधन क्या था, दुर्योधन की मानसिकता क्या थी देख सकते हैं हम। सबसे पहले उसको पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी। ईर्ष्या क्यों थी उसको, क्योंकि वह सोचा था कि ये राज्य तो सारा मुझे मिलना चाहिए, पर ये पांडव कहाँ से आ गए, उन्होंने राज्य ले लिया। तो पहले तो उसने थोड़ा राजनीति करके पांडव को केवल आधा या आधा राज्य दे दिया था, खांडव जो जंगल जैसे था, पर पांडवों ने उसको क्या कर दिया, उसको एक बड़ा राज्य बना दिया, बड़ा ही समृद्धशाली इंद्रप्रस्थ बना दिया उन्होंने। तो फिर वह देख के उसको बहुत ईर्ष्या हो गई, खास करके जब वो जो पांडव का राजसूय यज्ञ हुआ, तो इन दुर्योधन ने क्या किया, तभी उसने ये सेवा ली कि जो भी पांडवों को भेंट दी जा रही है वो स्वीकार करना है। तो उस समय उसने देखा कि कितने सारे भेंट आए हैं, कितना ऐश्वर्य है पांडवों के साथ का, यह देखकर तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई और बढ़ गई। और फिर जब ईर्ष्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वैसे वहां पे भी दुर्योधन चिड़चिड़ा हो रहा था, जब वो रह रहा था बाकी सब तो चले गए, वो थे मैं कुछ समय यहाँ पे रहूंगा बोला, और रह रहा था तो फिर जो भी सेवक थे उन पे चिड़चिड़ा उन पे गुस्सा करता था वो। और फिर इस तरह से वह अंदर ईर्ष्या है बाहर चिड़चिड़ापन है, और उससे क्या होता सबको वो एक तरह से नाराज कर रहा था, सब उससे डरते थे, जो भी उससे अधीन थे वो उससे डरते थे। जो पांडव थे वो भी देख रहे थे कि ही इज नॉट बीइंग अ गुड गेस्ट, अगर हमारे घर में कोई कोई आता है मेहमान, और वो मेहमान क्या करता है हमेशा हमको परेशान कर, हमेशा इस ये बात कोसता है वो बात कोसता है, ये सही नहीं है वो सही नहीं है, तो
तो क्या है, वो एक जो जो उचित आदान प्रदान होता है वो नहीं रहता है। और उस फिर क्या हो गया, उसके बाद में न केवल उसका क्रोध था पर उसका अहंकार भी था। अभी जब अहंकार था तो उसके क्या हो गया, अभी जब द्रौपदी हंसी तो वह क्या था, यह सब पार्श्वभूमि में था कि दुर्योधन किस तरह से बर्ताव कर रहा था, इट अंडरस्टैंडेबल रिएक्शन। अभी ऐसे नहीं है कि वो ऐसे, वो नहीं कि वो ऐसे नहीं कि हम सबको हंसना चाहिए, इट इज नॉट अ डिजायरेबल और रिकमेंडेड रिएक्शन, वो परिस्थिति में वैसे कभी कभी हो जाता है। तो उस तरह से द्रौपदी जब हंस देती है तो फिर उस समय वह देख के दुर्योधन बड़ा क्रोधित हो जाता है, कहता तुमने मेरा इस तरह से अपमान किया, मैं तुम्हारा अपमान करूंगा, ऐसा वो वहां पे निर्धार कर लेता है। तो अभी क्या होता है, मैं जैसे बता रहा था शुरुआत में, शास्त्र जब दर्शाते हैं सत्य तो शास्त्र क्या करते हैं, वो जो कोई भी पात्र होता है वो पात्र भले ही दिव्य हो, महान भक्त हो, पर क्या है, वो पात्र के एक मानवता दर्शाते हैं। मानवता मतलब क्या है, हम में से किसी को भी किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है, कुछ हद तक हमको ज्ञान है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हर कार्य जो है हमेशा सही करता है, कभी कभी हम गलत कार्य कर देते हैं। तो फिर वो मानवता की बात, उससे क्या होता है, जो कहानियां हैं उसमें एक अधिक अधिकृतता आ जाती है। नहीं तो ऐसे अगर पात्र हो गए जो हमेशा सही कार्य करते हैं, लगता तो ऐसे तो मैं कभी जी नहीं पाऊंगा, तो फिर इससे क्या सीखना है मुझे। पर हमें उससे अधिक ये जो शास्त्र है हमारे जीवन से ही संबंधित ऐसे हमको समझ में आता है। और ऐसे नहीं है कि हर पात्र का हर जो व्यवहार है वह सही ही है, भले ही वो अच्छा पात्र हो, अच्छे के पक्ष में हो, तो कभी कभी उनका बर्ताव हो जाता है वो उतना सही नहीं हो सकता है। तो ऐसे नहीं है कि द्रौपदी जो हस्ती है वह कुछ ईर्ष्या से था, वह परिस्थिति में जो दुर्योधन की दुर्योधन का व्यवहार जैसे था, और फिर उसका व्यवहार था और उस समय वो सब वो उसका फिसल जाना था, उसे परिस्थिति के कारण वैसे हो जाता है। तो अभी इस तरह से हम समझ सकते द्रौपदी जो हस्ती है वह एक परिस्थिति के कारण आ जाता है। पर क्या होता है, जो रामायण महाभारत, अभी दूसरा सवाल देखेंगे, क्या दुर्योधन को द्रौपदी ने फिर उसके ऊपर कोसा, तो क्या है, रामायण महाभारत जो है, कुछ हद तक कृष्ण लीला भी, खासकर दशम स्कंद, यह हमारे शास्त्रों में बताई गई है और उसके बाद में अलग अलग तरह से भारत में इसको दर्शाया गया है। दर्शाया गया है मतलब इस पे ड्रामा लिखे गए हैं, इसके नाटक बने हैं, इसके इसपे काव्य बने हैं, और आजकल फिर टीवी सीरियल बने हैं, मूवीज बने हैं। तो कई बार जो अभी ड्रामा जो होता है इसके आधार पर किसी भी तरह से उसको और ड्रामेटिक बनाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है उसमें, उस समय उसमें सत्य से ज्यादा उसको थोड़ा सेंसेशनलाइज करते हैं, सनसनीखेज बना देते हैं। जैसे अखबार में भी अगर कुछ न्यूज आता है तो न्यूज अगर थोड़ा और सनसनीखेज बना देंगे तो क्या होता है, लोग और पढ़ेंगे उसको। तो उस वही भाव यहाँ पे होता है कि थोड़ा सनसनीखेज बनता है यहाँ पे। तो क्या कर देते हैं यहाँ पे, अभी ये टीवी में बताते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा क्या, कि अंधे का बेटा अंधा। तो अभी यह दुर्योधन के लिए एक बहुत बड़ा अपमान हो गया, पर वास्तव में ऐसा द्रौपदी ने कभी नहीं कहा था। यह न केवल एक ड्रामेटाइज्ड है, यह एक नाट्यात्मक वर्णन नहीं है, यह एक काल्पनिक वर्णन है। क्या कि महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, 1110 श्लोक है लगभग उसमें, सो सॉरी 110,000, 1,000 नहीं, 110,000 वर्सेस है इसमें, 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। तो फिर तो उसके अलग अलग रिसेंशंस है, रिसेंशंस मतलब उसके अलग अलग थोड़े अलग अलग तरह से पद्धति से बताया गया है वो। पर कोई भी उसकी पद्धति, उसका जो वर्णन है क्रिटिकल एडिशन, मतलब क्या होता है, ऐसा उसका वो महाभारत का जो ग्रंथ है जो अच्छी तरह से तुलना करके सही क्या है वो जांच करने का प्रयास किया गया, किसी में भी ऐसे नहीं बताया कि द्रौपदी ने ऐसे कहा था। यह क्या है, यह केवल एक यह एक काल्पनिक है। और अभी ऐसा द्रौपदी ने नहीं कहा था यह कहना क्यों जरूरी है, अभी
अगर इसने उस तरह से ऐसे उसको कोसा है तो क्या होता है कि द्रौपदी अभी हंसी, वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो तो एक परिस्थिति के कारण एक एक मासूम हंसी थी, ऐसे नहीं थी कि वो जानबूझ के और ईर्ष्या के साथ हुन्नस के साथ ऐसे हंसी हुई थी वो। तो जो अभी ये उसपे जब उसको ये कर रहे थे, जो जो उसने जब हंसी तो उससे जो उसको किसको कोस रहे थे कि जो दुर्योधन गिर गया उसको कोस रहे थे या उसके पूरे वंश को कोस रहे थे। तो अभी क्या होता है, हम हमारे साधारण आदान प्रदान में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई हमें डांटता है, हमें कोसता है तो हमें बुरा लगता है, पर जिनका हम बड़ा आदर करते हैं, शायद हमारे माता पिता हो, हमारे गुरुवर हो, उनका उनके प्रति कोई अपमान करता है तो वो सहन करना और मुश्किल हो जाता है। तो अभी जब द्रौपदी दुर्योधन पर के गिरने पर हंसी, तो क्या उसको उसने धृतराष्ट्र का भी अपमान किया था? कदापि नहीं। तो वो जो इस तरह से काल्पनिक वर्णन होता है उससे क्या होता है, यह अभी नाट्यात्मक पद्धति से शास्त्रों को बताना उचित है, पर वो इस तरह से बताना चाहिए कि जो शास्त्र है, जो शास्त्रों की कथा है, वह और अच्छी तरह से समझे, उसका जो मूड है, उसका जो रस है, उसका जो भाव है, वह और अच्छी तरह स्पष्ट हो। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि जिससे कि वह भाव चला जाए और कोई अपना ही एजेंडा है, अपना ही उनका उद्देश्य है, वह उद्देश्य वह अपना आगे बढ़ाने के लिए वह कुछ अपना ही अपने ही पद्धति से कुछ बता देगा, तो ऐसे करना उचित नहीं है। अभी कभी कभी क्या होता है, ये रामायण के साथ भी होता है, महाभारत के साथ भी होता है। तो भारत एक बड़ा देश है और भारत में भी अलग अलग विभागों में कभी कभी थोड़ा तनाव होता है, दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में कभी कभी थोड़ा, नहीं दक्षिण और उत्तर भारत में कभी कभी तनाव होता है। अमेरिका में भी आजकल जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसमें क्या है, उसको कहते हैं कोस्टल अमेरिका एंड मिडलैंड अमेरिका। तो जो दोनों कोस्ट में है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स है, सैन फ्रांसिस्को है, बॉस्टन है, यह सब कोस्ट में है, तो वहां के लोगों की विचारधारा होती है। और जो बीच में अमेरिका में रहते हैं, टेनेसी है, विस्कॉन्सिन है, मिनेसोटा है, वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी विचारधारा अलग है, तो कभी कभी उनमें भी ऐसे भेद होता है। तो अभी ऐसे जब भेद होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को लेते हैं और शास्त्रों को अपने ही अपने दृष्टि से देख के अपने भेदों में वो डाल देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं रामायण जो क्या कहानी है, यह पश्चिम दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोगों के युद्ध के बारे में कहानी है। तो अभी दक्षिण भारत और उत्तर भारत में कुछ नहीं है, इसमें जो रावण था वो असुरी था और वह दक्षिण भारत में नहीं था वास्तव में, वह तो लंका में था। तो पर क्या है, इस तरह से लोग अपने ही उद्देश्य से कुछ बता देते हैं तो फिर वह नाटक नहीं हो रहा है, वह कल्पना हो रही है उसके। तो ऐसे क्या है, पॉलिटिकलाइज रिटेलिंग्स होते हैं, ये लोग अपने अपने राजनीतिक उद्देश्य होते हैं उसके लिए वो कहानी उस तरह से बता देते हैं। तो इसके लिए लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, अच्छे लोगों को बुरा दिखा देते हैं और बुरे लोग क्या करते हैं, बुरे लोग वो इतने बुरे नहीं थे वास्तव में, वो अच्छे थे। तो इस तरह से क्या, कोई कोई लोग अपनी ही कहानी बनाएंगे तो कुछ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पर वो क्या करेंगे, शास्त्रों को लेंगे और शास्त्रों को एक विकृत पद्धति से बताएंगे तो क्या हो, अरे मैंने इसे सोचा ही नहीं था, यह ऐसा है क्या, उससे उनकी वो उनकी जो कहानियां हैं उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो ऐसा करना उचित नहीं है। इसीलिए शास्त्रों को अगर हमें समझना है कि जो जो परंपरा है, भक्ति की परंपरा है, धर्म की परंपरा है, यह एक जीवंत परंपरा है, और शास्त्रों को समझना है तो हमें जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं उनके माध्यम से हमें समझना है, उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक काल के पहले तक भारत में जो धर्म के आधार पर संस्कृति थी वो चल रही थी। क्यों? क्योंकि हर गांव में, हर शहर में, हर ग्राम, हर तालुके में वहां के अपने अपने ब्राह्मण हुआ करते थे, वहां पे पुरोहित हुआ करते थे, संत हुआ करते थे और वो भगवान की कथा करते थे, धर्म की कथा करते थे, और इस तरह से ये चलते आ रहा था। पर आजकल जो क्या हो गया है, शहर आ गए हैं और जो प्राचीन संस्कृति है उससे हमारा संबंध थोड़ा कम हो गया है। इसीलिए जो लोग अभी टीवी सीरियल वगैरह बनाते हैं
तो शायद उनका कुछ धर्म में कोई मूल नहीं है, धर्म कोई रुचि नहीं है, उनको सिर्फ अपना अपना पैसा कमाना है। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होता है, उससे वह शास्त्रों का हम उचित उचित जो भाव है वह समझ नहीं पाएंगे। तो अभी हम जो आखिरी पॉइंट है उस पर जाएंगे, और यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे मैं बताया कि ठीक है, द्रौपदी ने तो वो परिस्थिति के कारण हंस दिया, तो और द्रौपदी ने वैसे कुछ अपमानास्पद बोला नहीं, पर कृष्ण भागवत में स्पष्ट वर्णन आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को बोलते रुक जाओ हंसो मत, तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को रोकते हैं, द्रौपदी को नहीं रोकते। अभी ऐसे क्यों करते हैं कृष्ण? क्या अभी किसी का अपमान हो रहा है तो कृष्ण वो अपमान को क्यों नहीं रोकते हैं? अभी यह जो समझना है, यह हमारे जो आज का क्लास, आज का प्रवचन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत एप्लीकेबल है, इसका हमारे जीवन से बहुत संबंध है। अभी तक तो हम कहानी देख रहे थे, तो क्या है, क्या जानबूझ के कृष्ण चाहते थे कि दुर्योधन का अपमान हो जाए? क्या कृष्ण चाहते थे कि दुर्योधन को उकसाए? तो अभी यह हमें समझना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, उकसाया जाता है वह एक परीक्षा लेने के लिए। अभी मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा था और वो बाइक पे चल रहा है, उनकी बाइक बाइक से गिर जाते हैं वो, और वो कंधे पे गिर जाते हैं, तो अभी वो थोड़ा हाथ हिला लेते हैं, कुछ दर्द नहीं होता है, उनको लगता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर फिर वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, उनका हाथ लेंगे और गोल घुमाएंगे। तो अभी क्या होगा, जब इस तरह से हाथ गोल घुमाएंगे तो अगर अंदर से कोई समस्या नहीं है तो थोड़ा सा गोल घुमाए तो कुछ दर्द नहीं होगा। या मान लीजिए कोई छोटा सा हथौड़ा जैसे कुछ लेंगे और ठक ठक ऐसे करेंगे, ठक ठक ऐसे करेंगे, तो अभी अंदर से कुछ दर्द नहीं है, अंदर से कुछ समस्या नहीं है, तो वैसे थोड़ा सा हथौड़ा मारने से या हाथ मारने से, हाथ घुमाने से कुछ दर्द नहीं होगा। पर अगर अंदर कुछ समस्या है, अंदर कुछ घाव हुआ है, हड्डी ढीली हो गई है या कोई जख्म हुआ है, तो फिर क्या होगा, वह जब हाथ घुमाएंगे उसको दर्द हो जाएगा बहुत। सो यहां पे जब वो जो डॉक्टर इस तरह से हाथ हिलाते हैं, द डॉक्टर इज नॉट कॉजिंग द पेन, द डॉक्टर इज एक्सपोजिंग द कॉज ऑफ द पेन। कि जो डॉक्टर है वह ऐसे लगता है कि उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया उसके कारण दर्द हो रहा है, पर नहीं, वो दर्द का कारण पहले से अंदर है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वो दर्द का कारण अंदर है या दिखा रहे हैं, डॉक्टर इज एक्सपोजिंग इट। तो उसी तरह से भी कृष्ण जब क्या करते हैं, जब किसी को इस तरह से उत्तेजित करने की परिस्थिति में डालते हैं, तो अगर अंदर अहंकार नहीं है तो क्या थोड़ा सा बुरा लगेगा, ओके ठीक है मैं गिर गया, तुम हंस लिया, मैं भी हंस लेता हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसको हंस के छोड़ दो। पर अगर अंदर अहंकार होगा तो क्या होगा, उसको बड़ा क्रोध आ जाएगा, क्रोध आके फिर हिंसा हो जाएगी। तो इसीलिए अभी हाँ, कृष्ण ने दुर्योधन का अपमान होने दिया, पर ये वो कृष्ण जब अपमान होने देते तो क्या थे, वो एक डॉक्टर के समान है। डॉक्टर कभी कभी ऐसे ऐसे उसको मारते हैं वो चेक करने के लिए, यहाँ पे कुछ आपको दर्द हो रहा है, अंदर कुछ है या नहीं। सो कृष्णास प्रोवोकेशन वॉज टू टेस्ट टेस्ट दुर्योधन। तो अभी ये जब इस तरह से कृष्ण उनको टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, अभी देख सकते हैं हम एक और परिस्थिति में कृष्ण किसी को उत्तेजित करते हैं। तो हम ये तुलना करेंगे, अभी हम सब जानते हैं ये गोवर्धन लीला, जहां पे कृष्ण इंद्र को उत्तेजित करते हैं, और यहाँ पे महाभारत में कृष्ण दुर्योधन को उत्तेजित करते हैं। तो अभी क्या होता है, क्या प्रसंग क्या है कि हम देखते हैं कि इंद्र जो था उसको इंद्र पूजा होती थी, पर कृष्ण ने कहा इंद्र मुझे छोड़ दो और तुम क्या करो, गोवर्धन पूजा करो, ब्रजवासियों को बताया। तो जब अभी ऐसे हुआ तो इंद्र को बड़ा अपमान हुआ। अभी अपमान कैसे है, आप देख सकते हैं कि एक तो उसको पूजा नहीं मिली और वो पूजा किसी और को दे दी, और किसको दे दी, वो पूजा एक एक पर्वत को दे दी। अब इंद्र सोचा कहाँ एक पर्वत है और कहाँ मैं स्वर्ग का राजा हूं, तो वो एक तरह से बहुत बड़ा अपमान हो गया। अगर मान लीजिए हमारे किसी के साथ मीटिंग है और हम उनसे मिलने जाते हैं, और वो हमको मैसेज मिलता है मैं आपसे मिलने मिल सकता हूँ कि मेरा कोई और कोई किसी और से मीटिंग आ गई है, और फिर हमको पता चलता किससे मिल रहे हैं और वो तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति है, तुम मुझसे मीटिंग छोड़ के उससे क्यों मिल रहे हो,
तुमको थोड़ा बुरा लगेगा। तो इंद्र का इस तरह से अपमान हो गया, और अपमान क्या हो गया, तो उसने क्या किया, बहुत ही बुरी प्रतिक्रिया हुई उसकी, उसने व्रजवासियों का विनाश करने का प्रयास किया। उसने ऐसे, अभी क्या होता है, सबके पास कभी कभी क्रोध आ जाता है, सबको क्रोध आ जाता है, पर क्या है, हमारे पास कितनी क्षमता है उसके अनुसार हम क्रोध को प्रकटीकरण करते हैं। अभी कोई छोटा बच्चा है, उसको क्रोध आ जाता है तो क्या होता है, थोड़ा रोएगा, या फिर अपने कोई तकिया इधर उधर फेंकेगा, कुछ खिलौने इधर उधर फेंकेगा। पर कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको क्रोध आ जाएगा और क्रोध पर नियंत्रण नहीं करेगा, तो शायद वो क्या करेगा, कोई बर्तन फेंकेगा इधर उधर, कोई होगा तो चाकू निकाल लेगा। अभी अमेरिका में तो क्या है, सब लोगों के पास, अगर जिसको भी चाहिए वो गन खरीद सकता है, और लोगों के पास गन्स होते हैं, तो लोग गुस्सा आके वो गन इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी। तो जितनी हमारे पास क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम, अगर हमारा क्रोध नियंत्रण में नहीं है, तो हम उसको क्रोध को व्यक्त कर देंगे। तो इंद्र ने क्या किया, वो जो प्रलय के समय जितना बारिश आता है उतना उसने क्रोध कर दिया। पर उसके बाद में क्या हुआ, तो एक तरह से ये पहला, जब इस प्रसंग में जो अब तक हो रहा है, पहली जो बात हो रही है, वह हम देखते हैं दुर्योधन भी वैसे ही करता है। पर उसके बाद में क्या होता है, जब कृष्ण गोवर्धन उठा देते हैं और इंद्र अपने पूरे शक्ति से गोवर्धन पे प्रहार करता है, पर वो व्रजवासियों को कुछ नहीं कर सकता है और गोवर्धन को भी कुछ नहीं कर सकता है, उससे वह पूरा उसका गर्व चला जाता है, समझ जाता है कि मैं तो मूर्ख था। और फिर वो क्या होता है, कृष्ण से माफी मांग लेते हैं वो, और फिर कृष्ण क्या करते हैं, वो चेतावनी देते हैं, उपदेश देते हैं, और फिर कहते हैं तो पुनः जाके अपने इंद्र के पद पे स्थापित हो जाओ। तो कृष्ण इंद्र को उकसाते हैं, इंद्र क्रोधित हो जाते हैं, पर उसके बाद में सही मार्ग पे आ जाते हैं। अभी इसकी तुलना हम कर सकते हैं दुर्योधन के साथ। दुर्योधन ने भी, कृष्ण ने दुर्योधन को भी उकसाया, क्या किया, द्रौपदी को हंसने दिया। पर अभी इसके कारण दुर्योधन ने क्या किया कि दुर्योधन का भाव हो गया, द्रौपदी तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारा अपमान करूंगा, और कैसे अपमान करूंगा, उसने द्रौपदी का को बेइज्जत करने का प्रयास किया, उसने उसका वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। अभी क्या है, यह भी किसी को क्रोध भी आता है, तो क्या है कि क्रोध, अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ बुरा किया है तो अच्छा है कि हम उनको माफ कर दे, माफ भी नहीं कर सकते हैं तो कभी कभी हमको उनको सही मार्ग पे लाना है, तो फिर अच्छा है तो जिस मात्रा में उन्होंने गलती की है उस मात्रा में उनको उसका प्रतिक्रिया देना चाहिए। अभी मान लीजिए हम किसी के घर में जाते हैं और उनके घर में हमें एक मच्छर काट लेता है, और इसलिए हमें इतना गुस्सा आता है कि हम उनके घर पे बॉम्ब डाल के उनका पूरा घर उड़ा देते हैं, ये क्या बेवकूफी है, ये तो एक मच्छर ने कुछ काटा था आपको के घर में, अभी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो अभी ठीक है, दुर्योधन का अपमान हुआ, पर द्रौपदी का वस्त्र हरण करना, पांडवों का सारा राज्य, उनकी राज संपत्ति छीन लेना, यह क्या था, बहुत ही एक्सेसिव था, तो उसमें कुछ प्रमाणात्मक रूप से उचित नहीं था वो। सो एंगर, The danger in anger is that it blinds our sense of perspective. कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है वह हमारा विचारधारा नहीं रहती है। पर अभी कृष्ण ने भी क्या किया, उसने जब द्रौपदी का वस्त्र करने का प्रयास किया तो कृष्ण ने द्रौपदी का वस्त्र असीमित बना दिया, और यह एक तरह से यह चमत्कार था। तो जैसे अभी देखिए यहां पर हम तुलना कर सकते हैं, कृष्ण ने चमत्कार किया, गोवर्धन को उठा लिया, और उससे इंद्र समझ गया मैंने गलती की। यहां पे कृष्ण ने भी एक तरह से चमत्कार किया, द्रौपदी का वस्त्र असीमित बना दिया, पर उससे दुर्योधन सुधरा नहीं, बस क्या ये तो कुछ जादू हो गया। और वो अपना ही का जो हिंसात्मक ईर्ष्यापूर्वक कार्य जो कर रहा था वो करता रहा, ये नहीं हुआ पर मैं दूसरा कार्य करूंगा। तो जब कृष्ण ने अपनी शक्ति दर्शाई तो उससे उसको कुछ उससे समझा नहीं, वो उसकी उसकी बुद्धि जागृत नहीं है। और फिर बाद में क्या हुआ, कृष्ण जब पांडव वनवास में जाके आए उसके बाद में उसके बाद में पांडव जो है वहां पे कृष्ण ने पांडवों के पास वो
एक शांति दूत के रूप में गए, वो सॉरी पांडव के ओर से कौरव के ओर शांति दूत के रूप में गए, और वह भी दुर्योधन ने ठुकरा दिया, और इस तरह से ठुकरा दिया कि तभी युद्ध अनिवार्य हो गया, और जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो फिर दुर्योधन का विनाश हो गया। तो अभी क्या कृष्ण ने यह युद्ध करवाया? नहीं, कृष्ण ने दुर्योधन का जो अहंकार था वो उसको दिखाया, ताकि फिर उसे चुनाव करना है, क्या मैं इस अहंकार के अनुसार कार्य करूंगा या मैं अहंकार को त्याग करके नम्रता को स्वीकार करूंगा, और नम्रता को जब स्वीकार नहीं करता है तब उसका विनाश हो जाता है। तो अभी क्या होता है, प्रोवोकेशंस एक्सपोज आवर डार्क साइड दैट लर्क्स इन द डार्क, कि हम सबके अंदर में एक नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक इच्छाएं होती है, वह क्या होते हैं, कभी कभी हम ढक्के रखते हैं, जानबूझ के वही ढक्के रखते हैं, या कभी कभी वो हमें भी पता नहीं होता कि ऐसा है हमने, पर कभी कभी परिस्थिति वो सामने लाती है, और जब परिस्थिति वो सामने लाती है तो तभी हमें चुनना होता है। तो अभी ये पता चल जाता है, जैसे कोई मेरा हाथ जोर से घुमाता है, दर्द हो रहा है, तो तभी समझ आता है अच्छा 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 यहाँ पे कुछ समस्या है, तो मुझे कुछ करना चाहिए यहाँ पे। तो क्या करना चाहिए मुझे, शायद मुझे इसको कोई दवाई लेनी चाहिए, शायद मुझे कुछ इसका व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर मैं उसको मानूंगा नहीं, उसको ध्यान नहीं दूंगा, तो क्या होगा, वो और खराब होते रहेगा। तो इसीलिए जब हमारे अंदर के अनर्थ हमें दिखते हैं तो वी नीड टू रेक्टिफाई देम, नॉट जस्टिफाई देम। रेक्टिफाई मतलब उसको ठीक करना चाहिए, जस्टिफाई मतलब नहीं ये सही है क्या, गलत क्या है, तुमने ऐसे किया मैंने इसलिए मैंने ऐसे किया, नहीं। पर क्या है, हम कब तक करने वाले हैं ऐसे? ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि एक आंख के लिए एक आंख, तुम मेरी एक आंख तोड़ोगे तो मैं तुम्हारी एक आंख तोड़ूंगा, ठीक है, अगर वैसे करेगा तो कुछ समय में सारी दुनिया अंधे हो जाएगी। तो क्या है, हमें एक तरह से एक दूसरे को माफ करना भी, और छोटी छोटी जो गलतियां होती है उसको माफ करना भी सीखना चाहिए। तो अभी ये जो है हमारे वी विल हैव क्वेश्चन आंसर्स नाउ, बट लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा यहाँ पे कि हम सबको वी हैव टू प्रे एंड प्रिपेयर, दो चीजें। इस सारे प्रसंग से हम क्या सीख रहे हैं कि हम सबको ऐसे हमारे जीवन में आएगा कि हम कभी उत्तेजित हो जाएंगे, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे आएगा कि हमको कोई अपमान करेगा, कोई किसी को उत्तेजित करेगा, तो हमें प्रार्थना करनी है कि हे भगवान तभी आप मुझे शक्ति दे सके, ताकि मैं उत्तेजित ना हो जाऊं, ताकि मैं तभी उचित कार्य कर पाऊं। और न केवल एक प्रार्थना करनी है, उसके लिए हमें तैयारी भी करनी है, टू प्रिपेयर। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर प्रोवोकेशन, ऐसे ये पता चलता है अगर हाथ खराब है, कुछ दर्द है इसमें, तो मैं उचित तरह से दवाई लेता हूँ, उचित तरह से एक्सरसाइज करता हूँ। वैसे हमें भी खुद को तैयार करना है, और ये तैयारी क्या है, यह तैयारी जो है यह हमारी हमारी साधना है, यह हमारी भक्ति है। तो हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर प्रोवोकेशंस, हाउ कैन वी बिल्ड स्ट्रेंथ, देयर आर फोर थिंग्स, सो इमोशनली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली एंड सोशली। कि भावनात्मक स्तर पे हमें खुद को पहले से पता करना चाहिए कि किन चीजों से मैं उत्तेजित होता हूं, और जहां तक हो सके उन चीजों से दूर रहो। अभी हमेशा हम दूर नहीं रह सकते हैं, पर अगर हमको पता है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए जहां तक हो सके उतना। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है बहुत ज्यादा, उसको शराब छोड़नी है, तो अगर वो अपने घर में ही बहुत से शराब के बॉटल रखेगा तो फिर उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम सब कुछ कुछ चीजों में उत्तेजित हो जाते हैं, तो किन चीजों से जो उत्तेजित होते हैं अगर हम समझेंगे तो उससे दूर रह सकते हैं। तो कभी कभी हम जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है, हम सबके जीवन में ऐसे हो सकते हैं व्यक्ति, जो जिनसे हम बात करते हैं तो बात करते करते छोटी बात बड़ी हो जाती है, फिर वो हम पे चिल्लाते हैं, हम उन पे चिल्लाते हैं, और फिर बहुत झगड़ा हो जाता है। तो अगर ऐसे पता है तो फिर क्या है, उस व्यक्ति से ऐसे समय पे मिलो जब हम शांत हो। तो मान लीजिए अगर हमारा लंबा दिन हुआ है, 10-15 समस्याओं का हमने सामना किया है, हम फिर थक गए हैं, हम थोड़े से चिड़चिड़े हो गए, और उस समय ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या होगा, तो फिर तभी विस्फोट ही हो जाएगा। तो हमें खुद को समझना है कि क्या चीजें मुझे उत्तेजित करती है, और या तो उन चीजों को टालो या उन चीजों को सामना बहुत सावधानी से करो। जैसे अगर हम रोज रास्ते पे जाते हैं
और अगर हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई खड्डा है, यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर है, तो फिर तभी धीरे से जाओ, वहां पे तेजी से मत जाओ। तो वैसे ही हमें खुद की जो उत्तेजित करने वाली चीजें है वो समझनी चाहिए, वो भावनात्मक स्तर पे हम खुद को संरक्षित कर सकते हैं, खुद की शक्ति बढ़ा सकते हैं। और फिर आध्यात्मिक स्तर पे क्या है, हम हमारी साधना करते हैं, जो हमारी साधना होती है वह हमें अंतरंग रूप से भगवान से जोड़ती है, और जब भगवान से हमें जोड़ती है तो उसके द्वारा हमको अंदर से शक्ति मिलती है, हम जो परिस्थितियों से उतना उत्तेजित नहीं हो जाते हैं। अगर हम एक बड़ी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के नीचे है हम, और एक तो हम एक बड़ी बिल्डिंग है उसके नीचे है, तो हमको लगे अरे मैं इतना छोटा हूँ, ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, पर वो बिल्डिंग के ऊपर हम हवाई जहाज से जा रहे हैं तो क्या होगा, ये बिल्डिंग तो इतनी छोटी है, ऐसे हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी चेतना ऊपर उठती है, जब हमारी चेतना नीचे होती है तो छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी लगती है, छोटा छोटा उत्तेजन भी बहुत बड़ा लगता है, पर जब हम साधना करते हैं अच्छी तरह से तो हमारी चेतना ऊपर उठती है। तो मान लीजिए हम हवाई जहाज में गए, ठीक है इसने ऐसे बोला, क्या इतनी बड़ी बात नहीं है, ये दुनिया है, मैं इसमें होते रहता है, ऐसे इसको ज्यादा इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे अगर हम साधना अच्छी तरह से कर रहे हैं तो हम वही जो चीजें हैं जो हमें उत्तेजित करते हैं उससे हम उतना उत्तेजित नहीं होंगे। और फिर बौद्धिक स्तर पे हमें हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना है। शास्त्रों के अध्ययन से क्या होता है, जो हमारी बुद्धि है वो सतर्क होती है, तो जब हम उत्तेजित हो रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे, अभी कोई हमारे घर में कुछ चोरी करने आता है, हमको पता चल गया चोरी कर रहे हैं, तो हम शायद पुलिस को बुलाएंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, कुछ चिल्लाएंगे, तो फिर वो चोर उतना आसान चोरी नहीं कर पाएगा। पर चोर आता है, हमको पता ही नहीं चलता है, चोरी करके चला जाता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो उसी तरह से हमारे अंदर जब अनर्थ आते हैं, अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे तो कब अनर्थ आ गए, कब हमें उत्तेजित कर दिया, ये कुछ समझ में नहीं आता हमको। पर शास्त्र हम पढ़ते हैं तो हमें अंदर से हम सतर्क हो जाते हैं। और ये आखिरी चीज है सोशली। सोशली मतलब सामाजिक स्तर पे क्या है, हमें अच्छे लोगों से अच्छे संबंध जोड़ने हैं, डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ वेल विशिंग फ्रेंड्स। अभी दुर्योधन जो था उसके साथ बहुत से हितचिंतक थे, भीष्म थे, विदुर थे, द्रोणाचार्य थे, पर वह उसके संबंध उनके साथ अच्छे नहीं थे। अभी अच्छे संबंध का मतलब क्या है, यह नहीं कि जब हम उनसे मिलते हैं तो हम उनसे हंसते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वो एक स्तर पर अच्छा संबंध है। पर अच्छा संबंध का मतलब ये भी है कि अगर वो हमें कुछ हम कुछ गलती करते हैं तो वो हमको गलत क्या है बताते हैं और हम वह स्वीकार कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, अच्छा संबंध अगर नहीं होगा तो कोई हमें डांटता है तो तुरंत हमको कोई हमको बोलता है ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कौन होते हो उन्हें बताने वाले, तो हम थोड़ा प्रतिक्रिया बहुत ही आक्रामक पद्धति से कर देते हैं। तो इसलिए जितने हमारे अच्छे संबंध है उससे क्या होगा, हमारा मन अगर हमें पदभ्रष्ट करने का प्रयास करेगा तो हमारे जो अच्छे संबंध है हमें बचा पाएंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर यह जो है एक डायग्राम के रूप में हम दिखा रहा हूं, ये आखिरी पॉइंट है। हमारे अंदर जो है आत्मा है और आत्मा के आजू बाजू में मन है और बुद्धि है। तो क्या होता है, जब हमारा मन अनियंत्रित होता है, जब हम रजोगुण या तमोगुण में होते हैं, जब हमारे अनर्थ बहुत शक्तिशाली होते हैं अंदर, तो क्या होता है कि बाहर से कोई उत्तेजन करने वाली हमको चीज दिख जाती है तो उससे हम उत्तेजित हो जाते हैं और हमारा मन कुछ प्रतिक्रिया कर देता है और हम मन के अनुसार कार्य कर देते हैं और जो हमारी बुद्धि है वो दूर रह जाती है। बुद्धि क्या, यहाँ पे देख रहे हैं बुद्धि कहाँ पीछे चली गई है, बुद्धि के बारे में कुछ विचार ही नहीं कर रहे हैं, हमारा मन ही पूरा कार्य कर रहा है। तो मन बोलता है अच्छा इसने ऐसे बोला मैं ऐसे करूंगा। तो मैं एक बार दो भक्तों में मीडिएशन कर रहा था। मीडिएशन मतलब क्या होता है, दो भक्तों में अगर झगड़ा हो गया है तो फिर उनको थोड़ा सा शांत उनको उनको एक उनका झगड़ा सुलझाने के लिए मदद करना। तो वो एक भक्त नम्रता से बोल रहा था कि I know you are very angry with me। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत क्रोधित हो। तो ये दूसरा भक्त बोले नो आई एम नॉट एंग्री विथ यू, नहीं मैं तुम पे क्रोधित नहीं हूं। अभी इस तरह से बोल रहा था कि समझ आ रहा था कि क्रोधित तो है,
पर उसके बाद में वो क्या बोला कि एंगर इज अ वेरी एक्सपेंसिव इमोशन एंड यू आर नॉट वर्थ इट, कि क्रोध जो है ये बहुत महंगी भावना है और तुम इतनी उसके इतनी महंगी भावना के लायक नहीं हो। अभी अगर कोई ऐसे बोलेगा तो क्या है, तो फिर कैसे उस तरह से वो मतभेद को हम उसको सुलझा सकते हैं। तो मतलब कोई एक नम्रता से माफी मांग रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है, पर दूसरा क्या करता है, दूसरा और उसमें अपमान करता है। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि हम मन के स्तर पे प्रतिक्रिया करते हैं तो हम विचार नहीं करते हैं। तो दूसरे बार ऐसे हुआ कि एक बार बोल रहे थे कि यू नो आई डिड समथिंग रॉन्ग, यू डिड समथिंग रॉन्ग, लेट्स पुट इट बिहाइंड, कि मैंने कुछ गलत किया, तुमने कुछ गलत किया, हम उसको पीछे रख देते हैं। तो फिर वो दूसरे बार शांत थे, कम ऑन यू नो यू शुड मीट मी हाफ द वे, कि तुम बीच में आके मुझसे मिलो, हम बात मान लेंगे। तो वो दूसरा वक्त बोले, हाँ मैं बीच में आने को तैयार हूं, तुमने दो चीजें बोली कि मैंने तुमने कुछ गलत किया और मैंने कुछ गलत किया, मैं इसमें से आधी बात मानने को तैयार हूं। क्या आधी बात? कि तुमने कुछ गलत किया। मैंने कुछ गलत किया, यह मानने को तैयार नहीं हूं मैं। तो अभी कोई इस तरह से भाव रखता है तो फिर क्या है, उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार जब हमें उत्तेजित करते हैं तो हमारा मन हमें नियंत्रण कर देता है और मन के स्तर पर हम प्रतिक्रिया कर देते हैं, तो फिर उससे सुलझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यह जो है, यह एक अनियंत्रित मन है जो जो ऐसे उत्तेजन के लिए तैयार नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्ति की परिस्थिति है ये। पर जो व्यक्ति जो जिसने अच्छी तरह से साधना की है, जो जो अच्छी तरह से तैयार हुआ है जीवन के उत्तेजनों के लिए, उसमें क्या होता है, उसका मन दूर जा जाता है, उसकी बुद्धि सामने आ जाती है। और जब भी कोई प्रलोभन करने वाली चीज आ जाती है तो फिर वो बुद्धि के मार्ग, बुद्धि से उसका सामना करता है। और बुद्धि से जब उसका सामना करता है तो फिर जो है, जब बुरी चीजें होती भी हमारे जीवन में, कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव भी करता है, तो हम इस तरह से कार्य करते हैं कि वो बुरे चीज को, और वी डोंट मेक अ बैड थिंग वर्स, वी हेल्प मेक द बैड थिंग बिट बेटर, कि जो बुरी परिस्थिति में जो भी है उसको हम कैसे सुलझाए, ना कि उसको और उलझाए, वह उस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि वंस ग्रेटनेस हैज टू बी सीन बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस, कि प्रभुपाद कहा करते थे कि किसी कोई व्यक्ति महान है कैसे बदलता है, वो एक बहुत बड़ा वजन उठा लेता है, ऐसे नहीं है कि भक्ति में भी ऐसे नहीं कि बहुत जप कर लिया, बहुत उपवास कर लिया इससे व्यक्ति महान बन जाता है, बहुत सारे ग्रंथों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे मंदिर के लिए डोनेशन कलेक्ट किया, ये सब अच्छा है, कर सकते हैं। तो पर वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति कौन महान होता है, जो उत्तेजनों को सहन कर सकता है। वंस ग्रेटनेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो एक तरह से दुर्योधन और इंद्र दोनों जो उत्तेजन को सहन नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए, पर जो इंद्र था कुछ समय के बाद नियंत्रण में आ गया, दुर्योधन कभी भी नियंत्रण में नहीं आया, उसके कारण दुर्योधन का विनाश हो गया। पर अगर हम भक्ति करते हैं तो हम भी कभी कभी उत्तेजित हो जाएंगे, पर हम जल्दी से वो उत्तेजन के परे जा सकते हैं। तो सारांश में आज हमने चर्चा की तीन विषयों पे। सबसे पहले कि हम महाभारत से क्या सीख सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उत्तेजित जब हम होते हैं उसका सामना कैसे करना है वह देखा सब। तो पहले ये देखा कि दुर्योधन जब गिरा तो द्रौपदी ने हंसा क्यों, वह एक परिस्थिति के कारण था, क्योंकि दुर्योधन पहले ही बहुत अहंकार कर रहा था, बहुत चिड़चिड़ा था, तो तभी वो जो फिसल गया तो वो एक परिस्थिति के कारण तभी हंस दिया, ऐसे नहीं कि वो अच्छा है, पर वहां पे हो गया उस तरह से। पर जो उसमें काल्पनिक दृष्टि से बताया जाता है कि तभी द्रौपदी उसका अपमान करती, अंधे का बेटा अंधा, यह क्या है, यह उचित नहीं है, क्योंकि ये द्रौपदी के चरित्र के विपरीत है, यह महाभारत की जो कहानी है उसके विपरीत है। और इससे क्या होता है, वह जो हंसना, वो एक तरह से मासूम था, वह मासूम ने लग के वो पूरा घृणा या ईर्ष्या से या नफरत से भरा हुआ ऐसे लगता है। और फिर हम देखा मेजर जो का हमारे प्रवचन का मेन भाग क्या था, कि कृष्ण ने ऐसे क्यों होने दिया। तो कृष्ण कभी कभी हमको उत्तेजित करने वाली परिस्थिति में डालते हैं जिससे कि
हमारे अंदर क्या है वो हमें पता चले। जैसे डॉक्टर कभी कभी हाथ को घुमाते हैं तो अभी अंदर अंदर कुछ समस्या है कि नहीं हमको पता चलता है। तो कृष्ण ने इंद्र को भी उत्तेजित किया और दुर्योधन को भी उत्तेजित किया और दोनों उत्तेजित हो गए उससे। पर क्या है, जो इंद्र था वह कुछ समय के लिए उत्तेजित हो गया, जब कृष्ण की शक्ति देखी तो वो अपने सही बुद्धि पे बुद्धि से सही मार्ग में आ गया। पर जब दुर्योधन ने भी वैसे ही किया, अभी दुर्योधन की प्रतिक्रिया जो थी वह क्या थी, क्रोध के कारण बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, द्रौपदी तुम पे हंस भी दी, उसने कुछ गलती कर दी, पर उसके कारण उसका वस्त्र हरण करना, उसका अपमान करना, पांडव के सारा संपत्ति छीन लेना, यह तो बिल्कुल अनुचित है। वह डिस्प्रपोर्शनेट है, उचित मात्रा में नहीं है वो। तो फिर उसके बाद में कृष्ण ने अपनी क्षमता दिखाई, चमत्कारिक रूप से द्रौपदी का वस्त्र असीमित कर दिया, कृष्ण शांति दूत के रूप में आए, पर वो सबको उसने ठुकरा दिया और उसके कारण दुर्योधन का विनाश हो गया। तो हम देखा अंत में कि हम सब भी कभी कभी जीवन में उत्तेजित हो जाएंगे या उत्तेजित करने वाली हमारे जीवन परिस्थिति आ जाएगी, तो उसका हम सामना कैसे करना है, तो हमें प्रे एंड प्रिपेयर, भगवान से प्रार्थना करनी है जब भी ऐसी समस्या आएगी मैं सामना कर पाऊँ, और हमें तैयार होना है। तैयार कैसे होना है, चार स्तर पे हम देखा कि भावनात्मक स्तर पे समझे कि क्या हमको उत्तेजित करता है उसे दूर रहे, आध्यात्मिक स्तर से हम साधना करके हमारे चेतना को ऊपर उठाए ताकि जो छोटी चीजों को हम ज्यादा बड़ा न बनाए, बौद्धिक स्तर पे शास्त्रों के अध्ययन से हमारे हम बुद्धि को सशक्त बनाए ताकि हम बुद्धि के द्वारा जो समस्या का सामना करें, न केवल हमारे मन के द्वारा हम प्रतिक्रिया करें, और आखिरी जो है हम हमारे संबंधों को अच्छा बनाएं और अच्छे अच्छे लोगों से अच्छा संबंध बनाएं ताकि अगर हम कुछ गलत चीज करने लगते हैं तो वो हमें सही मार्ग पे ला सकेंगे। और प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि व्यक्ति की महानता किसे दिखती है, कि उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों में वो कैसे कार्य करता है, उससे उसकी महानता हमें समझ में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, हाँ, किसी का कोई सवाल है प्लीज मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए। प्रभु जी, जब तक कोई मैसेज बॉक्स में टाइप करते हैं उनका मैसेज, तब तक मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट समय हमें दिया। ऑल दो हमारा डिस्कशन काफी लंबे समय से चल रहा है पांडव सेना में लेक्चर्स को लेके, पर मैं समझ सकता हूँ आप इतना ज्यादा बिजी हैं, हर किसी को आपके इतने सारे सारा टाइम चाहिए, और उसके बावजूद आप हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, उसके लिए जेन्युइन लेवल पे आपके लिए हम ऋणी फील करते हैं। वी फील दैट वी आर एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू यू, एंड वी आर एक्चुअली फीलिंग सो ऑनर्ड कि यू नो हम सब लोग आपके सामने हैं और आप हमें पर्सनली गाइडेंस दे रहे हैं उसके लिए। तो प्लीज थैंक यू सो मच, और प्लीज आप इसी तरह से हम सबकी मदद करते रहिए थोड़ा सा भक्ति में ऊपर उठने की। जैसे आज का प्रभु जी, मेरे को एक जो पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अट्रैक्ट किया, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये था कि वी आर हियर टू रेक्टिफाई आर ओन सेल्फ। मतलब हमें यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना है, और रेक्टिफिकेशन तब हो पाएगा जब मैं अपनी गलतियां अपने आंखों से देख पाऊंगा, और अपने आंखों से देख के उसको जब मैं रेक्टिफाई करूंगा तो जेन्युइन लेवल पे एक प्रॉपर डिवोटी बन पाऊंगा। तो थैंक यू, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे लगा पर्सनल लेवल पे कि आपने उसको इतना ब्यूटीफुली एग्जाम्पल के साथ समझाया। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। प्रो, मैं जब भी वहां पे आया था, आपका वहां पे बहुत सुंदर भक्तों का संघ है, तो मुझे भी प्रसन्नता और कृतज्ञता है कि मैं आपका इस तरह से तो कुछ संग करके सेवा कर सकूं। और यस, हम सबको जो हमारे जीवन में उत्तेजित करने वाली परिस्थिति आती है तो उसका सामना कैसे करना है, तो इट इज क्या कहते हैं ऐसे, इट इज बेटर टू एडमिट दैट वी आर रॉन्ग एंड बी राइट देन टू आर्ग्यू दैट वी आर राइट एंड बी रॉन्ग। ब्यूटीफुल ये बेहतर है कि मैं ब्यूटीफुल स्वीकार करूं मैं गलत हूं और उससे हम सही हो जाएंगे, न कि मैं झगड़ा करूं कि मैं सही हूं और उससे मैं गलत हो जाऊं। सो गलत इट्स ट्रू, थैंक यू। रह जाए।
आई गेस देर इज अ क्वेश्चन आज बाय वन माता जी, प्रभु जी आपके उसमें खुलता है क्या ये? आई गॉट इट, आई गॉट इट, यस। तो फिर अभी कृष्ण सब कुछ जानते हैं, तो कृष्ण को हमें उत्तेजित करने की जरूरत क्या है? वास्तव को कृष्ण भगवान को हमें उत्तेजित करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में हमें हमारे अंदर जो अशुद्धताएं हैं, जो जिनके कारण हम उत्तेजित होते हैं, वह समझना जरूरी है ताकि हम उनको ठीक कर सके। कि जैसे हम कोई हमारे से मान लीजिए मेरे हाथ में कुछ बीमारी है, कुछ जख्म हुआ है, मुझे भी पता नहीं है, पर पता नहीं अंदर से बढ़ते जाएगा वो। तो इसीलिए जब कोई हाथ को घुमाता है तो पता चलता है अच्छा यहाँ पे कुछ जख्म है, उसको ठीक करना पड़ेगा मुझे। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो ये कृष्ण को, कृष्ण का जानना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा जानना और हमारा उसका हल करना महत्वपूर्ण है। Does that answer the question? तो हमें हल कराने के लिए कृष्ण को बताते हैं तभी। हरीश प्रभु, दिव्या माता जी को अनम्यूट कर देंगे तो वो मेरे को लगता है कि वो जवाब दे पाएंगे टाइप करने से। जो प्रभु जी ने पूछा कि डज इट आंसर योर क्वेश्चन, तो एक बार प्लीज हरीश प्रभु कर दी। यस प्रभु जी, फॉलो अप क्वेश्चन था। यस प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु। प्रभु जी, इन द केस ऑफ दुर्योधन, Krishna already knew how he will react and what limit he can go to, because Krishna knows everything. So this is, in this case, if he is not stopping Draupadi, then in one way he is giving fuel to fire. Okay, अच्छा सवाल है कि अगर अभी कृष्ण सब कुछ जानते हैं, तो कृष्ण भी जानते हैं कि दुर्योधन तो उत्तेजित हो जाने वाला है और फिर उससे सारी परिस्थिति और खराब हो जाएगी, तो क्या कृष्ण ऐसे अग्नि में घी डालने के समान या पेट्रोल डालने के समान नहीं कार्य कर रहे हैं? देखिए, इसमें कई पॉइंट है, महत्वपूर्ण सवाल है, पर सबसे पहला पॉइंट है जो मैं अभी चैट में टाइप भी करता हूँ सबके लिए, कि क्या है कि गॉड्स नॉलेज ऑफ द फ्यूचर इज लाइक आवर नॉलेज ऑफ द पास्ट, इट इज नॉलेज विदाउट इंटरवेंशन। गॉड्स नॉलेज ऑफ द फ्यूचर इज लाइक आवर नॉलेज ऑफ द पास्ट। मतलब क्या, अभी मुझे पता है कि मैं सुबह मुझे इतने बजे उठना था, पर मैं इसके एक घंटा आधे घंटा देर से उठ गया, मुझे ये काम करना था इस समय पे, पर ये मैं आलसी हो गया। तो हम जानते हैं हमने क्या किया इस भूतकाल में, पर उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम जो जानते हैं पर उसमें कंट्रोल नहीं है, नॉलेज विदाउट इंटरवेंशन। तो गॉड्स नॉलेज ऑफ द फ्यूचर इज लाइक आवर नॉलेज ऑफ द पास्ट। तो अभी ऐसे नहीं है कि हम सब एक तरह से कठपुतली है और हम सब नाचे जा रहे हैं, नचाए जा रहे हैं। तो जो भविष्य है वह किस तरह से निर्धारित है, यह हमें समझना जरूरी है। जब भगवान कहते हैं वेदाहम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन, कि मैं भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानता हूँ, उसका मतलब क्या है? हम कोई भी शास्त्र का एक विधान उसको एब्सोल्यूट नहीं बना सकते, उस एक विधान को हम दूसरे विधानों की तुलना में देखना चाहिए। और दूसरे विधान में शास्त्र बताया कि भगवान ने हम सबको स्वेच्छा दी है, तुम चिंतन करो और चिंतन करके फिर फैसला करो तुम्हें क्या उचित कार्य करना है। तो कैसे है कि कृष्णा नोज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर चॉइसेस बट ही डजंट कंट्रोल आवर चॉइसेस। मतलब कैसे है कि मैं मान लीजिए एक गाड़ी पर जा रहा हूँ, गाड़ी चला के जा रहा हूँ मैं, तो अगर किसी के पास पूरे रास्ते का मैप है और वह जानता है कि अच्छा मैं अगर इस रास्ते पर इधर जाऊँगा
तो एक घंटे में यहाँ पे पहुंचूंगा, इस रास्ते से मैं इधर जाऊंगा तो एक घंटे में इधर पहुंचूंगा, इस रास्ते से इधर जाऊंगा तो मैं इधर पहुंचूंगा। तो क्या है, कृष्ण के पास पूरा नकाशा है, तो कृष्णा नोज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर चॉइसेस। अगर हम ये चुनेंगे तो ये होगा, अगर हम ये चुनेंगे तो ये होगा, ये चुनेंगे तो ये होगा, पर हम क्या चुनते हैं यह कृष्ण निर्धारित नहीं करते हैं, यह कृष्ण निर्धारित नहीं करते। अगर वैसा होगा तो ये कई पद्धतियों से इससे समस्या आ जाएगी। एक तरह से बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं अपने गोविंद भाष्य जो वेदांत सूत्र के तात्पर्य में, वो कहते हैं कि अगर अगर हम पूर्णतया एक कठपुतली के समान हैं, भगवान ही हमारे सारे कार्यों को जानते हैं, इसका मतलब है वो नियंत्रित कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर शास्त्रों का ही कुछ अर्थ नहीं रहेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि आप ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य मत करो। तो अभी अगर हमें हमें कुछ नियंत्रण है ही नहीं खुद पे, अगर हमारा हमारे जो चुनाव है पहले से ही निर्धारित हो गए हैं, तो फिर शास्त्र देने का फायदा ही क्या है। तो और दूसरी उससे और भी एक गंभीर उससे उसका परिणाम होता है कि कुछ लोगों की बुरी प्रवृत्ति होती है और कुछ लोग बुरा कार्य करते हैं। तो अगर जो बुरा कार्य करते हैं लोग, अगर उनकी अपनी स्वेच्छा है ही नहीं, उनकी स्वतंत्रता है ही नहीं, तो मतलब क्या है, भगवान उनसे बुरा कार्य करवा रहे हैं और उनके बुरा कार्य बुरे कार्यों से बाकी सबको दुख दे रहे हैं, और फिर उनके बुरे कार्यों का उनको भविष्य में कर्मफल दे रहे हैं। मतलब क्या है, भगवान ही सब दुख निर्माण कर रहे हैं उनके बुरे कार्यों से बाजू बाजू के लोगों को, और फिर बाद में उनको भी भविष्य में। तो इफ वी रिजेक्ट फ्री विल देन वी कन्वर्ट गॉड इनटू डेविल, कि भगवान जो है शैतान जैसे बन जाएंगे जो हम सबको दुख दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि कृष्ण को कभी कृष्ण दुर्योधन के स्वेच्छा का आदर करते हैं, कृष्ण दुर्योधन को भी सही मार्ग चुनने का मौका देते हैं, और भगवान अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। अभी उस समय भगवान ने दुर्योधन को उत्तेजित किया, पर बाद में जब कृष्ण शांति दूत के रूप में गए तभी उसको शांत करने का प्रयास किया, उसको साम दाम भेद दंड सबसे उसको समझाने का प्रयास किया। तो क्या है, भगवान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग पद्धतियों से कार्य करते हैं, और हर चीज का उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति सही मार्ग पे आ जाए। तो कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, हमको कितनी समस्या है वो दिखाते हैं, और कभी कभी दवाई देते हैं। तो सिर्फ दवाई देंगे तो अगर व्यक्ति को लगेगा नहीं कि समस्या बहुत खतरनाक है तो दवाई लेगा भी नहीं, पर अगर उसको सिर्फ दिखाएंगे इतना समस्या खतरनाक है तो बाद में तो हताश हो जाएगा वो, कोई दवाई भी है या नहीं इसके लिए। तो दोनों करते हैं। तो जब भगवान कभी ऐसी परिस्थिति डालते हैं हमारे जीवन में, हम उत्तेजित हो जाते हैं, दुर्योधन को उत्तेजित करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसको समझे कि ठीक है मुझमें कुछ अनर्थ है, इसका मुझे सामना करना चाहिए, इसका मुझे प्रतिकार करना चाहिए, इसका नियंत्रण करना चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो वो उसका दुर्भाग्य है वो। पर ऐसे नहीं है कि भगवान सब नियंत्रित कर रहे हैं, भगवान दुर्योधन को भी मौका देते हैं, भगवान रावण को भी मौका देते हैं, और यह भगवान का एक तरह से उस जीव के स्वतंत्रता का आदर करना है, और दूसरा यह भगवान का उनका करुणापूर्ण स्वभाव भी है। ओके थैंक यू प्रभु जी, वेरी वेरी ब्यूटिफुल आंसर टू बी वेरी ऑनेस्टली। इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये वाला क्वेश्चन का जवाब को। मेरे को लगता है कि उसके बाद बहुत बहुत सारी चीजें हैं जीवन में लोगों की क्लियर हो जाएंगी। जैसे कितनी बार लोग दोष भी देते हैं कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों चल रही है या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि जो भी चीज हम कर रहे हैं उसके कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमने वो चॉइस लिया है जो आपने अभी बताया कि हम जो चॉइस करेंगे उसके अनुसार हम उसका रिएक्शन वैसे मिलेंगे। तो यस यस ऑफ कोर्स, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में चुनाव भी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कभी कैसा होता है, हमारे जीवन में एक अच्छा मार्ग है और दूसरा मार्ग बुरा, एक अच्छा मार्ग है दूसरा बुरा मार्ग है,
और तभी ठीक है हमें कुछ स्वेच्छा अच्छा दृढ़ संकल्प रखता है ऐसा, तो हमको अच्छी विवेक बुद्धि लगती है अच्छा चुनाव करने के लिए। बट कभी कभी ऐसे होता है कि हमको लगता है दोनों जो ऑप्शन है दोनों बुरे ही है, अभी मैं क्या करूं इसमें। तो ऐसे भी हो सकता है कभी कभी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है कि वी डोंट हैव द चॉइस बिटवीन गुड एंड बैड, वी ओनली हैव अ चॉइस बिटवीन बैड एंड वर्स। अच्छा और बुरा भी चुनाव नहीं है, पर बुरा और उससे बुरा में चुनाव है। तो कभी कभी हमारे जीवन में जैसे आप कहते हैं किस्मत फूटी है, तो हाँ कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे किस्मत के कारण हमारे दैव के कारण हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, तो उसमें कोई भी अच्छा चुनाव नहीं है, पर फिर भी हम असहाय नहीं है, उसमें भी हमें चुनाव करना है। अगर इसको लगता है कि मैं ऐसी परिस्थिति में हूं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तो एक सीधा सवाल पूछ सकते हैं, क्या आप परिस्थिति को और खराब कर सकते हैं? अभी बोलेगा पहले से बहुत खराब है, किसको और खराब करना है परिस्थिति को, पर नहीं करना नहीं है, पर क्या हम परिस्थिति को और खराब कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे किसी से हमारा किसी से रिश्ता बहुत खराब हो गया है, और जो भी करते हैं हम उसको रिश्ते को और अच्छा करने के लिए, पर वो होता ही नहीं है कुछ। ये करेंगे तो वो ऐसा सोचेंगे, वो ऐसे करेंगे तो वैसा सोचेंगे, तो हमको लगे मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सही में कुछ नहीं कर सकते, अगर हम चाहे तो क्या वो रिश्ते को और खराब नहीं कर सकते हैं? नो, 15 मिनट के लिए जीवा को खुला छोड़ दो, जो भी मन में आए बोल दो, कितना भी अच्छा रिश्ता हो जाएगा वो बर्बाद हो सकता है 15 मिनट की बातों से। तो क्या है, कोई भी परिस्थिति है उसमें, और अगर हम उस परिस्थिति को और हम और खराब कर सकते हैं, तो उसका मतलब है वी आर नॉट एज हेल्पलेस एज वी थिंक। हम इतने असहाय नहीं जितना हमको लगता है। अगर हम परिस्थिति को खराब कर सकते हैं तो परिस्थिति को अच्छा भी कर सकते हैं, और कभी कभी काफी अच्छा कर सकते हैं, कभी कभी थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि सब कुछ हमारे हाथ में है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता है, पर फिर भी कुछ तो हमारे हाथ में रहता है। तो इंग्लिश में से कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी, कि हम हमारे नियति के दैव के स्वामी हैं। तो यह उचित नहीं है, वी आर नॉट द मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी बट वी आर द मेकर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। हम हमारे नियति को, हम हमारे दैव को के स्वामी नहीं है, पर हम हमारा दैव बनाते हैं। दैव के स्वामी नहीं है मतलब क्या है, कि ऐसे नहीं है कि मेरे इच्छा के अनुसार और मेरे मेरे प्रयासों के अनुसार जो भी चाहिए मुझे मिल जाएगा वो। तो उस तरह से मतलब हम स्वामी नहीं है, पर फिर भी हम हमारे दैव के हम शिल्पकर्ता है, हम कह सकते हैं मेकर है। क्योंकि क्या है, अगर हम उचित कार्य करेंगे, अभी अच्छा कार्य करेंगे तो जरूर उससे भविष्य अच्छा होगा। तुरंत होगा, कुछ समय के बाद होगा, वह अलग अलग है, पर जरूर अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, सच ए ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। और कितना महत्वपूर्ण ये प्रभु जी क्लास था, जो इतना प्रैक्टिकल है हम सबके जीवन में। और ये स्थितियां तो हम सबके जीवन में देखिए आती ही रहती है ऑनेस्टली। और आज के क्लास से क्या होगा कि अब जितनी भी स्थितियां आएंगी उसको लड़ने की शक्ति मिलेगी, उसको और बेटर बनाने की सोच आएगी, और इस तरह से मे बी वन डे वी कैन बिकम अ प्रॉपर वैष्णव ऐसे। और तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा क्लास था ये। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज पांडव सेना को भी अपना समझ के थोड़ा ऑफ कोर्स आप अपना ही समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं समझते हैं, और आप हमको इतना टाइम भी दे रहे हैं, पर फिर भी मैं ये चाहता हूँ थोड़ा और टाइम भी आपका चाहिएगा हमें, तभी हम इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे मैं ये सोच रहा था आज के आपके लेक्चर के बाद कि ये जो 6 अनर्थ हैं इनके ऊपर अगर कुछ क्लास हो जाए कभी, यू नो, काम क्रोध लोभ मोह घमंड और ईर्ष्या से का, तो शायद इसके ऊपर हमको थोड़ा और बल मिले कि हम कैसे इसको ओवरकम करके और भक्ति में जिस मूड से आना चाहिए, इन स्थितियों से को कैसे लड़के या इन स्थितियों से कैसे डील करके, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा और टाइम कभी निकालें, या ऐसा कुछ अगर, क्योंकि अब तो लाइव क्लासेस हो सकती हैं, तो अगर जैसे अब पुरुषोत्तम महीना है, फिर आगे कार्तिक महीना आएगा,
तो अगर वंस इन अ मंथ अगर आप कुछ ऐसा कुछ प्लान करें, और डेज कोई हमारे लिए जरूरी नहीं है कि आप संडे ही रखें, आप पूरे 7 days में से कोई भी डे होगा तो हमको चलेगा। हम ऐसा होगा तो जो वर्किंग डे है उसमें रात को 9 बजे रख लेंगे। yes. तो अगर ये प्रैक्टिकल लगता हो अगर कुछ, तो ये एक रिक्वेस्ट है। Yes, bro. Let's we'll talk about it. हम बात करेंगे privately और हम finalize करेंगे. Okay. यहाँ तक हो सकता है, I'll be happy to come. तो बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. It was very nice to be with all of you. श्री प्रभुपाद की जय. गौर भक्त श्रीरेश चैतन्य चरण प्रभु जी की जय. हरे कृष्णा. Thank you so much. हरे कृष्णा. जय हरे कृष्णा. Thank you very much. And that way.